ଆମେ ଏତେ ଅନୁରୋଧ ଜଣେଇଲୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଶେଷରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଗତଗୁରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସୁଛୁ, ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ଘର ଦ୍ୱାର ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲୁ, ସ୍ୱାମୀଜୀ ନାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଘର ଦ୍ୱାର କଲୁ। ଘର ଦ୍ୱାର କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି 15 ମସିହାରେ। ଆମେ ତାପରେ ଘର ତିଆରି ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଚାନକ ଆସିକି ଖୋଲାରେ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟାକୁ ଟିକିଏ ବଦଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଚାରିପଟ ମେନ୍ ସିଂହଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କର ପରିଷ୍କାର ଯଦି କରିଦେଲେ ତାହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର, ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଆମେ ଯିବୁ କୁଆଡ଼େ? ଏତେ ଲୋକ ପୁରା ପରିବାର ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆମର ରୋଡ଼ ଏପଟେ ଘର ଏପଟେ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ପାଚେରୀ ତଳେ ସଦାବେଳେ ପଡ଼ିଛୁ ପୁରୁଷ ମୁକ୍ତ, ଆମେ କେମିତି ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ିବୁ? ଆମ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଆଜ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆନା ଥା ନି ଆୟା ସ୍ୱାମୀଜୀ କି କାଁ ଗଏ ଠିକ ହେ ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले गोपाल सुब्रह्मण्यम जी नियुक्त किए गए थे, उन्होंने हमसे भी बातचीत की और संबंधित व्यक्तियों से, गजपत जी आदि से बात की। यहाँ की जटिल समस्या परिस्थिति को देखकर उन्होंने स्वेच्छा से रिजाइन दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुमार जी नियुक्त किए गए। एक बार जब वे पुरी में आए थे तो मैं यहीं था, मुझसे मिले नहीं। गजपत जी आदि से वे मिले। दोबारा जब वे फिर आए तो मेरे पास सूचना भिजवाई कि मैं दर्शन करके चला जाऊंगा भुवनेश्वर में, हवाई जहाज पकड़ना। दैव योग से जब वो आए तो हमने पूछा कितना समय आपके पास है, उन्होंने कहा लगभग 1 घंटा। आए तो थे 10-5 मिनट के लिए। उस समय मेहता जी जो शासन तंत्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट की देखरेख के लिए नियुक्त हैं दैव योग से, वो भी दोनों में मेरे कोई परिचित नहीं थे। और यहाँ मुख्य प्रशासक इत्यादि सब थे कुमार जी के साथ। मैंने जो वक्तव्य दिया वो यहाँ के प्रशासक आदि सबको मालूम है। साथ ही साथ मैंने जो उन्हें कागज़ सौंपा वो भी सबको मालूम है, कोई गुप्त चीज़ नहीं है। हमने अपने वकीलों के माध्यम से इस समय जो खंडपीठ है सुप्रीम कोर्ट में उसको अपना मनो भाव व्यक्त किया लिखित। पहले सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस थे, दूसरे विभाग में दे दिया गया यह केस। दूसरे विभाग के अरुण मिश्र जस्टिस ने कहा कि शंकराचार्य की आपत्ति है, लेकिन इससे पहले जो बहस उसके बारे में मैंने पता लगाया तो
सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेटों की टीम ने आपत्ति व्यक्त की थी तोड़फोड़ पे। अरुण मिश्रा ने कहा कि आपकी टीम जाकर पुरी में देखे, कि सरकार व्यवस्था करने के लिए तैयार है या नहीं, या केवल तोड़फोड़ कर रही है। टीम के कोई सदस्य मेरे पास नहीं आए, और ऐसी सूचना मिली है कि कोर्ट में टीम ने जाके कहा पूरी व्यवस्था करके सरकार तोड़ रही है। कल और परसों हमारे एक परिचित युवक ने आके कहा, आगे भर के लोग कह रहे हैं कि हमारा मकान भी तोड़ दीजिए, हमारा मकान भी तोड़ दीजिए, जो प्रलोभन शासन तंत्र की ओर से है, वो प्रलोभन उनको अपना मकान तोड़वाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब आप सब आई हैं, आप आती तो नहीं आती तो मुझे जो करना चाहिए था मैंने किया, कोर्ट तक हमने विचार अपना पहुंचाया, लेकिन जब शासन तंत्र एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त एडवोकेट की टीम दो, कुमार जी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त हुए तीन, ये सब के सब एक हो गए कि सरकार ने पूरी व्यवस्था की है, किसी का शोषण नहीं हो रहा है, और आप लोगों में से बहुत से व्यक्तियों ने आगे भर के कहा हमारा मकान भी तोड़ो, हमारा मकान भी तोड़ो, रुपये का प्रलोभन। मैंने चुपके से भाद्र पूर्णिमा के दिन सीमा उल्लंघन के बाद वहाँ जाकर देखा भी कितना तोड़फोड़ हुआ। लगभग 1.5 महीने पहले मीडिया के कुछ व्यक्ति कहाँ से पता लगा के थे, ज्ञान बाबू पुलिस वाले भी उस समय थे जब मैं गया था, मैंने सूचना किसी को नहीं दी थी, लेकिन वो लोग कहीं से सूचना प्राप्त कर लिए। अब इस परिस्थिति में आप ही बताइए कि फूट जब है आपस में, कोई कहते हैं हमारा मकान भी तोड़ दो, हमारा मकान भी तोड़ दो, कोई कहते हैं कि कई पीढ़ी से हम लोग यहाँ रह रहे, आगे आश्वासन पूर्ण हो न पूर्ण हो कहाँ जाएं, आप लोगों का रोना उचित है, लेकिन आप ही बताइए कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ। जब कोर्ट सरकार, समझ गए ना, कोर्ट सरकार और बहुत से बाबा बाबू आगे बढ़ के सब कह रहे कि बहुत बढ़िया व्यवस्था हो रही है। मैंने कल भी एक सांकेतिक वक्तव्य दिया कि शासन तंत्र के पास साम दान दंड भेद इंद्रजाल माया उपेक्षा ये 7 नीतियाँ होती, और आप जैसे जो भोले व्यक्ति हैं उनके पास केवल साम रोना और अपनी वेदना को व्यक्त कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो 1966 से जितने आंदोलन भारत में हुए हैं धार्मिक आध्यात्मिक सब में मैं शामिल हूँ, मैंने देखा कि शासन तंत्र के पास जो साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया ये 7 नीतियाँ होती हैं, उनके सामने सज्जनों की कोई दाल नहीं गलती। और ये अंग्रेजों की कूटनीति है कि विकास के नाम पर हिंदुओं के जितने मान बिंदु हैं, गंगा गाय सती तीर्थ, ये सब लुप्त हो जाएं। विकास एक ऐसा शब्द दे दिया गया है जिसके ऊपर आधुनिक व्यक्ति लट्टू हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक संकेत किया, तीर्थ का अर्थ क्या होता है, इधर जलाशय तो यहाँ समुद्र है, उदधि महोदधि, तीर्थों के भी तीर्थ, उधर देवस्थान श्री जगन्नाथ जी मुख्य दो हैं, और भी देवी देवता हैं, तो देवस्थान और जलाशय दोनों के योग से तीर्थ, और संत महात्मा के निवास जंगम तीर्थ, तो संत महात्मा है जंगम तीर्थ, स्थावर तीर्थ महोदधि समुद्र जलाशय, और भगवान का अर्चा विग्रह।
अब शासन तंत्र विकास के नाम पर क्या करेगा, मार्ग को प्रशस्त कर देगा। अभी मैं इलाहाबाद प्रयाग में था, 100-100 फीट चौड़े मार्ग बना दिए गए, काशी में भी जितना मांगा लोगों ने उससे ज़्यादा भर के दे दिया, जनता का मुंह बंद कर दिया, समझ गए ना। रोने वाले जो दुर्बल हैं वो रोते रह जाएं, शासन तंत्र पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन आगे मार्ग चौड़े हो जाने पर भी होगा क्या, होटल सिनेमा शराब मुर्गी अंडे मांस का केंद्र पूरी बनना ही है विकास के नाम पर। और यदि सरकार की दाल गली तो पूरी के बाहर हो सकता है, फैक्ट्रियां भी खोल जाएं, उद्योगपति भी लाकर, कच्चा माल मिले ना मिले वो सब अलग बात है, तो पर्यावरण की दृष्टि से भविष्य में घातक। ये पर्यटन का केंद्र जो तीर्थ को बनाया जा रहा है, अब इसमें श्री जगन्नाथ मंदिर समिति है, उसके प्रमुख गजपत जी हैं। गजपत जी का वक्तव्य मैंने तो नहीं सुना है, आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों के पक्ष में है या सरकार के पक्ष में है वो तो आप लोग निर्णय करें। तो शासन तंत्र और तोड़ फोड़ जिनके मकान आदि की, उसमें से बहुत से व्यक्ति जो दमदार थे सब शासन तंत्र के साथ हो गए। जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देने वाली टीम आती है वो वहाँ मोहित हो जाती है, वो भी तोड़ फोड़ के समर्थन में, विकास के समर्थन में, और सरकार बढ़ चढ़ के खूब मुँह मांगी दक्षिणा दे रही है, प्रलोभन बसाएगी। यहाँ तक मेरे पास सूचना आई है 700 वर्ष पहले जैसे दिव्य ढंग से मंदिर बनते थे, मठ आदि बनते थे, मकान बनते थे, उस ढंग से लोगों को बसाया जाएगा। इतना प्रलोभन है, वो प्रलोभन सत्य है या क्या वो तो आप लोग जाने। मुझे जो कहना था मैंने कहा जोरदार शब्दों में, मैं डरता नहीं हूँ, आप लोगों के साथ मेरी सहानुभूति है। अब भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना है कि वे आपकी वेदना सुने। मैं आपके आने के पहले मुझे जो कहना था मैंने कहा, और यहाँ पर आप तो नहीं थे, कुमार जो आए थे सुप्रीम कोर्ट वाले, उनको मैंने कहा, मेहता जी के सामने भी आजत थे उस समय, हमने कहा कि श्री मंदिर का लक्ष्य क्या होना चाहिए ये बताइए, नहीं बता सके। तो हमने कहा कमीज कुर्ता को साफ़ करना अलग चीज़ है, हृदय को साफ़ करना अलग चीज़ है, श्री मंदिर को लेकर जो शिक्षा रक्षा संस्कृति सेवा धर्म और मोक्ष के संस्थान हैं, समझ गए ना, उसको लेकर कोई योजना नहीं है बाहरी सफाई से, तो फिर क्या होगा। तो हमने उस दिन भी कहा था, आप लोग आए थे, किसी ने कहा कैसा लगा आपको, तो मैंने कहा कि पालम हवाई अड्डा उससे अच्छा लगा, 4 किलोमीटर से हरियाली सब बाग, समझ गए ना, भक्त नहीं रहेंगे संत नहीं रहेंगे तो और भव्य हो जाएगा, सब पार्क ही पार्क, समझ गए। तो अंत में प्रश्न उठता है कि ये जो मार्ग चौड़े हो रहे हैं तो आर्थिक दृष्टि से सरकार को तो लाभ होगा, दर्शनार्थी भी बहुत आएंगे, होटल वालों को भी लाभ होगा, सिनेमा भी अंत में, पर तीर्थ का स्वरूप क्या रह जाएगा इस पर विचार करने की आवश्यकता थी। शासक, अच्छा पहले जो प्रशासक थे क्या नाम था, प्रदीप महापात्र जी यहाँ थे और गजपत जी भी थे। उस समय मैंने कहा था तोड़ फोड़ का कदम पहले मत उठाइए, जो भी सेवाएँ तो हों, आम जनता हो, महंत हो, मंडलेश्वर हो, जहाँ से जहाँ तक आप मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं वहाँ जितने व्यक्ति बसे हैं, मठ मंदिर वाले आम जनता है, सेवाएँ हैं, इन सब से पूछिए, इनका हृदय धोखा देकर नहीं, पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाए, उनकी भावना को सुनिए, उसके बाद आप कोई कदम उठाइएगा। कदम उठा लें पहले आश्वासन देकर, बाद में आश्वासन पूर्ण हो या ना हो, या ऐसा मत कीजिएगा। मैंने बार बार यही कहा, लेकिन आया कि कदम पहले उठा है, अब इसमें आप ही बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे जो करना चाहिए था
आप आती तो नहाती तो मैं ये नहीं देखता कौन आ रहा है, कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन नहीं। केवल मैं एक संकेत करता हूँ, एक दो कोई महंत मंडलेश्वर मेरे पास कई महीने पहले आए, लगभग डेढ़ दो महीने पहले, उनकी बात सुन करके मैं बिल्कुल उन्होंने कहा टूटने समय कोई चिंता नहीं, पर्याप्त दक्षिणा मिलनी चाहिए, समझ गए ना। फिर ये भी कहा कि काशी में भी मेरा मकान था, टूट गया, लेकिन पर्याप्त दक्षिणा जोगी जी ने दे दी। तो परंपरा प्राप्त मठ टूटने का उनको डर नहीं था, भय नहीं था, दक्षिणा खूब चाहिए। तो मैं समझ गया कि जब दक्षिणा के लोभी हैं, रुपये के लोभी हैं, तब फिर सरकार तो विजयी होगी। ठीक है, अब आप बताओ कि मैं क्या कर सकता। ये आपका ऊपर बहुत भरोसा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया थे तोड़ने का, पहले संघराज्य के साथ बातचीत करना, अब पहले प्रशासन का जरूरत। परंतु इससे पहले जो बहस हुए उसमें कोई मेरा नाम सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। फिर हमने मनोज जी से पूछा, मनोज रथ जी से, तो पता चला कि क्या होता, वकीलों की टीम अलग होती है, वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें उड़ीसा के वकील भी थे, उन्होंने शिकायत की कि तोड़फोड़ का काम गलत हो रहा है। उसके बाद जस्टिस ने कहा कि आप जाकर देखिए कि सरकार उचित आश्वासन देकर निर्वाह कर रही है या नहीं। फिर हमको सूचना मिली कि वो लोग आए, हम तो थे नहीं, हाँ नहीं वो नहीं, वो तो कुमार है, वो अलग नहीं, टीम आई, उन्होंने जाके सरकार से मिलकर रिपोर्ट दे दी कि बिल्कुल ठीक हो रहा है, लोगों को संतुष्ट करके जितना चाहते थे उससे ज़्यादा दक्षिणा देने की बात, फिर बसाने की बात, उनके भवन बनाने की बात है। ଏଠି ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦିଆ ତ ସବୁ ଘର ତିନି ଚାରିଟା ଲେଖା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଭିତରେ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ ରହୁଛୁ, ଆପ ଲୋକଙ୍କ ସେ କୋଇ ସମ୍ପର୍କ ଶାସନ ନେଇ ସାଧା ଡାଇରେକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର କେ ପାସ୍ ଗଏ ଥେ ଯେ ହମ ଲୋକ ବୋଲେ ଯେ ଆପ ତିନୋ ଓର ହମ ଲୋକ କୋ ଛୋଡ଼ ଦିଜିଏ, थोड़ा प्रोजेक्ट चेंज कीजिए, जो हमारा हम लोग पुरुषानुक्रम यहाँ पर रहते हैं, थोड़ी सी हम लोग के लिए विचार कीजिए। तो कलेक्टर ने कहा आप नहीं चाहेंगे तो आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा, हमको आश्वासना दिए दिए, तो हम लोग चुपचाप बैठ गए। तब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जो ये जगन्नाथ की सभा है, गुरु महाराज जी वो जो बोलेंगे वही होगा, इसी आस में हम लोग आए। ऐसा है, जब कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य से मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो सरकार ने मुझसे तो अब तक मार्गदर्शन लिया नहीं, न कुछ सूचना नहीं, न कोई सूचना दी सरकार की ओर से, मुझे कोई सूचना नहीं है, समाचार पत्रों की ओर से, मैं तो बाहर था। सूचना मिली कि कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य की शिकायत आई है, तो यहाँ तक कि कुमार थे और वो मेहता, उन्होंने कहा शंकराचार्य से मिला हूँ, शंकराचार्य का समर्थन है, उन्होंने कहा बैठ जाइए, आप गलत बोल रहे हैं, शंकराचार्य का लिखित मेरे पास उनके वकीलों के माध्यम से आया है। लेकिन बीच में कहता 19 को या किसको, 22 को, 22 तारीख को जो उसमें जस्टिस ने नहीं कुछ कहा, क्योंकि वो जो वकीलों की टीम सुप्रीम कोर्ट के, वो ने आकर के रिपोर्ट दे दी कि सबको संतुष्ट करके काम हो रहा है, समझ गए ना। हाँ तो अब तो मैं एक संकेत कर सुनिए, इनकी आवाज़ एक सब ले रहे आपने, इन्होंने यह कहा किसी से छिपी बात नहीं है, यहाँ जो भी बैठे हैं सबका चित्र सब है, इनकी वेदना भी सबके सामने है। इनका कहना है कि इनसे संपर्क नहीं साधा गया, शासन तंत्र के प्रमुख घटक के द्वारा जो आश्वासन दिया गया वो भी झूठा निकला,
ऐसी स्थिति में मैं शंकराचार्य के पद से बोल रहा हूँ, एक चींटी को भी अगर कोई गलत ढंग से दबाता है तो उसका रोना भी उस व्यक्ति पर वज्रपात का काम करता है। लोक मत का अर्थ ये नहीं है कि जो बोलने में, लड़ने में, झगड़ने में माहिर हो उसकी बात सुनी जाए, और जो शील की सीमा में, संकोच की सीमा में कोई आक्रोश आदि व्यक्त न कर सके, केवल वेदना व्यक्त कर सके, रो सके, उसकी बात न सुनी जाए, यह लोकतंत्र नहीं है। ऐसी स्थिति में ये सब जो मातृशक्ति आई हैं, इनकी वेदना सुनी जाए और शासन तंत्र इनको हर प्रकार से उचित ढंग से संतुष्ट करने के बाद ही उधर कुछ कदम उठावे, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, हम लोग हमारा मांग यही है, ये जो प्रोसेस बना है विकास के लिए पूरी तरह बंद होना चाहिए, जो कर दिए कर दिए, इसके बाद जो है उसको बंद करना चाहिए, अध्यात्म कुछ रहेगा नहीं। नहीं, बंद होना चाहिए, जो टूट गया और राजी हो गए वो तो आपकी बात से सहमत नहीं ना। जो टूट गए और जो तोड़ने के लिए कहते हमारा भी तोड़ दो, एक मत नहीं है ना आप लोग। ऐसा है, हमने सुनिए, हमने भागवत का वचन भी उद्धृत किया था, वो जो आए थे ना कुमार और मेहता, हमने भागवत का वचन उद्धृत किया था, और गजपत जी को हमने 8 साल पहले भी कहा था कि अगर ये जगन्नाथ जी के भक्त परिकर ही कष्ट पाएंगे तो जगन्नाथ जी की सेवा क्या होगी, क्योंकि भक्त और भगवान में घनिष्ठ संबंध है। और एक राजनेता आए थे, प्रणव नाम है संभवतः, प्रणव जी से मैंने कहा था ऐसा मत करना, जो बोलने में दबंग या गाली देने में दबंग या डंडा या जिनकी पहुंच है उनकी बात सुन लेना, और जो शीलवान हैं नहीं बोल सकते केवल रो सकते हैं उनकी उपेक्षा करना ये उचित नहीं है, ये मैंने कहा था। अभी आपके माध्यम से सुनिए, जब प्रशासन मेरे पास आ नहीं रहा है, कोर्ट के कहने पर भी मेरे पास तो प्रशासन नहीं आया, प्रशासन की ओर से मुझे कोई सूचना भी नहीं है, ऐसी स्थिति में जनता तक, कोर्ट तक, सब तक पहुंचाने के माध्यम तो आप हैं। आपके सामने मैंने कहा कि इन सब की वेदना को सुनी जाए, और अगर ये भगवान जगन्नाथ जी के भक्त ही कष्ट पाते हैं विकास के नाम पर, और भविष्य में ये भोग भूमि बन जाए, उचित नहीं। वही बात हम लोग सुन के प्रेरित हुए। आप अब कह रही हैं, मैं आराम से कह रहा हूँ। ना आपका वही बात वीडियो देखे हम लोग प्रेरित हुए, जे ये आध्यात्मिक स्थल को भोग तल मत बनाइए। गुरुजी कहिले जे पर तो आसे ना थे, जो ना वो आएंगे नहीं, वो तो ब्रिटिश काम कर रहे हैं, आएंगे कैसे, वो लोग नहीं आएंगे, वो झूठी मूठी बोल देंगे जहाँ शंकराचार्य जी का मत है, और कौन टेबुल कहाँ है, टेबुल ये है कहाँ, एक आप सुनो भाई, आप एक बार समझ लो, कलेक्टर एसपी ये सब और जो भी आईपीएस आईएएस पदाधिकारी होते हैं वो वेतन भोगी होते हैं, उनके हाथ बंधे होते हैं, वो आपको कुछ आश्वासन देंगे और सरकार उनको कोई आज्ञा देगी तो आपके सरकार की आज्ञा का पालन करेंगे, आपके आश्वासन का ध्यान नहीं रखेंगे, इसलिए मूल बात यह है, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद,
तो गुरु जी क्या बोलेंगे जो लोग आए उनका जो ये है उनकी आवाज़ आपने ले ली? लेंगे नहीं, पहले उनके लीजिए, पहले उनके लीजिए ना, उनका पक्ष पहले सुनिए फिर हमारा लीजिए। आप उधर से लो ना, पहले उनकी ओर ले जाओ, आप बहुत चतुर हो। आप ये रखिए यहाँ, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं मैडम? आप क्या सीआईडी विभाग के हो क्या? हाँ उनकी बात है, आप लोग भी आ जाओ, नज़दीक आ जाओ।